तीज के इस त्यौहार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस तीज आपको क्या क्या करना चाहिए, हर सुहागन महिलाओं को क्या करना चाहिए, जरूर सुने। भारत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, साल 2022 में 30 अगस्त मंगलवार के दिन हम यह व्रतराज, जो हरितालिका तीज व्रत है, इसे व्रतराज कहा जाता है क्योंकि बहुत ही कठिन व्रत है और सभी महिलाएं इस व्रत को धारण करेंगी। तो इस कठिनतम व्रत को करने के क्रम में हमें और वो कौन से कार्य हैं जो हरितालिका तीज व्रत के दिन दोस्तों जरूर करना चाहिए, ध्यान से इस वीडियो में आज मैं वही बातें, वही सभी जानकारियां आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत सुहागन महिलाओं के लिए व्रतराज है, सबसे कठिन व्रतों में एक है और यह व्रत महिलाएं अपने पति के लिए रखती हैं, अपने पति के लिए, उनके उन्नति तरक्की के लिए, अपने सौभाग्य वर्धन के लिए, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। और दोस्तों, पति हमेशा जीवन में उन्नति तरक्की करते रहें, सभी सुहागिन महिलाएं इसी कामना से इस दिन भगवान शिव माता पार्वती की पूरे परिवार सहित शिव परिवार की पूजन करती हैं। तो क्या वो ऐसे कार्य हैं, मैं यहां पर एक एक कर, वो बहुत जरूरी कार्य हैं दोस्तों, क्योंकि इन कार्यों के बिना हरितालिका तीज व्रत संपूर्ण ही नहीं माना जाता है। हर सुहागन महिला के लिए ये जो मैं 11 काम बताने जा रही हूं हरितालिका तीज व्रत के दिन करना बहुत ही जरूरी है व्रत के संपूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए। सबसे पहला कार्य जो इस दिन आपको करना है, हरितालिका तीज व्रत के दिन हर सुहागन महिला अपना शादी का जोड़ा जरूर पूजा के वक्त पहने। अब देखिए, यहां पर यह भी एक बात है कि शादी का जोड़ा शादी के कई साल के बाद पुराना हो गया, खराब हो गया, नहीं है अब आपके पास, तब आप क्या करेंगे। तो ये तो उन महिलाओं के लिए है जो शादी के साल से शुरू कर रही हैं, कम से कम 5 साल तक उनको अपने शादी के जोड़े को पहनना चाहिए। और उसके आगे जो शादी में चुनरी होती है, हमारी सुहाग के निशानी होती है, वो चुनरी हमें आजीवन, देखिए हर सुहागन महिला को रखना होता है, कोई भी व्रत त्योहार पूजा पाठ हो तो हमारी शादी की चुनरी ओढ़ते हम जरूर हैं और तभी वो पूजा संपन्न करते हैं। तो आपको शादी की अपनी चुनरी ओढ़कर ही यह पूजा, यह व्रत भी संपन्न करना चाहिए। जब आप कथा कर रही हो शाम को और उसके बाद जब पूजा आराधना कर रही हो, उस समय आप जरूर अपनी शादी का जोड़ा या शादी की चुनरी पहनकर ही पूजा संपन्न करें। दूसरी वो चीज दोस्तों, इस दिन हर सुहागन महिला को अपने सिंधौरे से ही सिंदूर लगाना चाहिए। ये सुबह स्नान करने के बाद भी आप लगाएं। इसके बाद देखिए, पूजा स्थल पर सिंदूर रखने का रिवाज है, तो शाम की पूजा जब हम करते हैं माता की विधि विधान से, तो उस समय भी आपको ये सिंदूर लगाना होता है। शादी के सिंधौरे में लगभग सभी जगहों पर पीला सिंदूर ही होता है। शादी का सिंदूर आप किसे कहते हैं, कई लोगों को नहीं पता। तो शादी में जो ससुराल पक्ष से सिंदूर आता है जिसमें भरकर, आमतौर पर हमारे यहाँ उत्तर भारत में देखिए, वो लकड़ी का एक लाल रंग का सिंधौरा होता है। डिजाइन और शेप अलग हो सकती है, लेकिन लकड़ी का ही होता है वो पात्र, और उसमें एक ढक्कन लगा होता है जिसमें कि सिंदूर पूरे साल, वो शादी वाला जो सिंदूर होता है पूरे साल नहीं, पूरे जीवन हम संभाल कर रखते हैं। उसी शादी के सिंधौरे से आपको हरितालिका तीज व्रत के दिन सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब जिनके यहाँ शादी का सिंधौरा नहीं आता है, तो जो भी सिंदूर दान उनके यहाँ शादी में आया हो ससुराल पक्ष से, उसी से सिंदूर करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ कार्य बताया गया है, तो ये दूसरा कार्य भी आपको जरूर करना है। तीसरा कार्य दोस्तों, इस दिन 16 श्रृंगार करने का विधान है, इससे भगवान शिव माता पार्वती बेहद प्रसन्न होते हैं। तो सभी महिलाओं के लिए है कि इस दिन 16 श्रृंगार जरूर करें। यहीं पर जो चौथी बात है वो भी मैं आपको बता दूं कि इस दिन सुहाग की जितनी निशानियां हैं सभी धारण करनी जरूरी बताई गई है। जैसे कि आपको मंगलसूत्र जरूर पहनना चाहिए, जैसे कि इस दिन पायल, बिछवा, जो भी आपकी सुहाग की निशानी है वो हरितालिका तीज व्रत के दिन आप जरूर धारण करें। कोई भी चीज ऐसी कटी हुई हो, जैसे बिछवा खराब हो गया हो, पायल खराब हो गया हो, ऐसा चीज आप ना पहने, सभी चीजों को ठीक करवा लें और उसके बाद इस दिन आपको ये धारण जरूर करना है।
यहीं पर पांचवी चीज भी मैं बता दूं, इस दिन आपको ध्यान से लाल पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। लाल पीले गुलाबी आप इन ही रंगों के वस्त्र इस दिन धारण करें, बेहद शुभकारी बताया गया है दोस्तों, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब इस दिन जो छठा कार्य आपको करना है, इस दिन अपने लिए सुहाग की सामग्री आपको जरूर खरीदनी है और नई सामग्री इस दिन आपको इस्तेमाल भी जरूर करना चाहिए। इस दिन सुहाग की सामग्री बहुत महत्व रखती है। इस दिन आपको सुहाग की सामग्री खरीदनी है, दान करनी है और इस्तेमाल भी करनी है। चाहे आप सिंदूर लाएं, चाहे अन्य चीजें, काजल, बिंदी, कुछ भी आप ला सकते हैं, लिपस्टिक जो लोग करते हैं, या अन्य कोई भी मेकअप का सामान आप इस दिन ला करके जरूर लगाएं दोस्तों, बहुत ही शुभकारी होता है। इसी से जुड़ी हुई चीज कि सुहाग की सामग्री दान हमें जरूर करना होता है हरतालिका तीज व्रत पर, तो इस दिन आप सुहाग की सामग्री लाकर रखते हैं माता के लिए, ब्राह्मण के लिए, और आप इसे अगले दिन दान करते हैं, ये भी बहुत शुभकारी है। तो सुहाग की चीजों का इस दिन इस्तेमाल करना, दान करना बहुत ज्यादा फलकारी बताया गया है। अब दोस्तों जो सातवीं चीज है, देखिए इस दिन आपको पूजा स्थल पर शादी का अपना सिंधौरा जरूर से रखना है। ध्यान देकर जब आप शाम की पूजा कर रहे हो तो शादी का जो सिंधौरा, जो सिंदूर दान है आपका, वहां पर रखें। इसी एकमात्र दिन होता है कि जब हम अपने शादी के सिंधौरे को पूजा के समय खोल कर रखते हैं। कई जगहों पर यह रिवाज है कि माता से जो सुहाग लेने का काम होता है वो हम शाम में कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुबह जब माता की विदाई होती है उसके पहले उनसे सुहाग लिया जाता है, तो सुबह में हम माता से सुहाग लेते हैं। तो शादी का सिंधौरा हम शाम के समय रखते हैं माता के सामने, और उसके बाद उसी सिंधौरे में जो माता की सिंदूर की डिब्बी है, सिंदूर दान है, उससे सुबह के वक्त विसर्जन के पहले हम उससे सिंदूर, पांच चुटकी सिंदूर आप माता के सिंधौरे से, सिंदूर दान से अपने सिंधौरे में रख ले। इसे ही सुहाग लेना बताया जाता है, इसे ही सुहाग लेना बोला जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो आठवां कार्य है माता से सुहाग लेने का, आप वो सुबह के समय विसर्जन के पहले जरूर ध्यान से कर ले। फिर उसी सिंधौरे से साल भर आप चाहे तो सिंदूर कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत संभाल के रखना होता है, उसमें सिंदूर ना गिरे ना छिटके, ऐसा बहुत ध्यान रखना होता है, तो अगर आप साल भर नहीं कर सकते तो किसी भी सिंदूर दान में, किसी भी सिंदूर की डिब्बी में आप सिंदूर थोड़ी सी एक चुटकी उससे लेकर रख ली और उससे रोजाना कर सकते हैं, और जो आपका मुख्य सिंधौरा है उसे आप सुरक्षित स्थल पर रख सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत में दसवां वो कार्य जो आपको खुद से जरूर करना है। देखिए शाम की पूजा के समय या सुबह की पूजा, दोनों ही वक्त में जब भी आप पूजा कर रहे हो, आपको इस दिन पूरे मांग भर सिंदूर, न मतलब कि सुहागन महिलाएं नाक से सिंदूर लगाकर पूरे मांग सिंदूर लगाती हैं। देखिए आमतौर पर क्या होता है कि सिंदूर हम थोड़ा सा भर लेते हैं मांग के शुरुआत में, लेकिन कभी भी किसी भी व्रत त्योहार, और खास तौर पर जिस व्रत को हम सुहाग के लिए कर रहे हैं, पति की जीवन के उन्नति तरक्की के लिए कर रहे हैं, उन व्रतों में तो पूरी मांग सिंदूर लगाने का ही महत्व बताया गया है। तो नाक से लेकर जहां तक आपकी मांग जाती है वहां तक इस दिन सिंधौरे से सिंदूर जरूर भरें। एक और कार्य आपको यहां सिंदूर से जुड़ा कर लेना है। इस दिन जैसे मैंने बताया सिंदूर लगाने का भी बहुत महत्व है, जब आपको कोई सिंदूर लगाए आप पलट कर उन्हें सिंदूर जरूर लगाएं, इससे भी सुहाग में बढ़ोतरी होती है, पति के जीवन में उन्नति तरक्की होती है, तो इस कार्य को भी आपको जरूर करना है। ग्यारहवां कार्य दोस्तों, इस दिन आपको जो, अगर आपने मिट्टी की मूर्तियां, देखिए आमतौर पर पार्थिव शिवलिंग और शिव परिवार बनाकर ही हरतालिका तीज में पूजन किया जाता है, क्योंकि ऐसा ही माता गौरा ने, माता पार्वती ने शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया था और अगली सुबह विसर्जन किया था, और उसके बाद ही भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए थे। तो आमतौर पर तो हर क्षेत्र में रिवाज यही है कि मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाए, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और माता पार्वती की सहेलियां प्रतीकात्मक आप लिंग स्वरूप भी बना सकते हैं और उनकी पूजा करते हैं हम विधि विधान से हरतालिका तीज व्रत के दिन, और अगले दिन सुबह में सूर्योदय के पहले उनका विसर्जन किया जाता है। तो विसर्जन के नियम में यह जरूरी है कि जिस महिला ने भी वह पूजा संपन्न की है वो महिला स्वयं विसर्जन करे, ये नहीं कि आप विसर्जन सामग्री इकट्ठा करके रख दें और दिन में कभी भी किसी अन्य के साथ विसर्जन के लिए भेजे, ऐसा नहीं होता है।
सूर्योदय से पहले हरितालिका तीज व्रत के अगले दिन विसर्जन करना जरूरी होता है, वो भी स्वयं से। आप अगर बहते हुए जल में विसर्जन नहीं कर सकते, आप किसी मिट्टी में एक गड्ढा खोदकर वहां पर जल भरकर उसमें विसर्जन कर दें, क्योंकि ये मिट्टी के ही हैं मूर्तियां शिवलिंग, तो आप उसमें आसानी से विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो अपने घर में कोई पॉट लें, उसमें पानी भर करके उसमें विसर्जन कर लें। लेकिन सूर्योदय से पहले जो ये विसर्जन का काम है, आपको इस पूजा को संपन्न और सफल बनाने के लिए जरूर करना है। इसके बाद जो आपको करना है, इसके बाद में आपको सुहाग और जो भी सीधा आपको दान देना है ब्राह्मण को, वो दान के लिए निकाल दें। देखिए, इतनी सुबह में अगर आप दान देने नहीं जा सकते तो दान के लिए निकाल करके आप अलग रख दें, और इसके बाद ही व्रत आप पूजा के प्रसाद से खोले। व्रत खोलने के लिए जो नियम है, कई जगहों पर खीरा और काले चने का प्रसाद लगाया जाता है भोग में, उन्हीं से व्रत खोला जाता है। कई जगहों पर जो भी भोग आप अर्पित कर रहे, जो भी फल या फिर गुजिया बनती है, अन्य स्थानों पर मीठे पुए बनते हैं, जिससे भी आप व्रत कर